जिस राज्य का बेटा मुख्यमंत्री हो और उसी राज्य में पिता के खिलाफ FIR दर्ज हो जाए, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। एक मुख्यमंत्री को अपने पिता के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश क्यों देने पड़े, ये पूरी कहानी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन पहले ये बता दूं कि अब मुख्यमंत्री द्वारा अपने पिता पर FIR दर्ज करने के निर्देश के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है और ये पूरी कहानी है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़ी हुई। नमस्कार, मैं हूँ ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनकट। पिताजी के होने के नाते पूरा सम्मान, और यदि उन्होंने किसी समाज के खिलाफ कोई बात कही है तो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अगर उस प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी का बेटा हो, यानी एक पिता का पुत्र जो है उस प्रदेश का मुख्यमंत्री हो और पिता के खिलाफ FIR दर्ज हो जाए, तो निश्चित तौर पर इसकी चर्चा होगी, ना केवल उस प्रदेश में होगी बल्कि पूरे देश में होगी। ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ये कहना पड़ा कि कानून सर्वोपरि है और मेरे पिता ने अगर कोई ऐसा बयान दिया है जिससे समाज में वैमनस्यता फैलती है तो निश्चित तौर पर पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा, उसके बाद से पूरे देश में ये चर्चा शुरू हो गई कि क्यों एक मुख्यमंत्री बेटे को अपने पिता के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कहना पड़ रहा है। आपको पूरी कहानी बताता हूँ शुरुआत से। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता हैं नंद कुमार बघेल। नंद कुमार बघेल कई बार ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहे हैं और इस बार उन्होंने ये टिप्पणी की उत्तर प्रदेश में, और आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक निजी चैनल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता ने कहा कि ब्राह्मण विदेशी हैं, उन्हें यहाँ से भगा देना चाहिए। मैं FIR की कॉपी भी पढ़कर आपको बताऊंगा कि आखिर उन्होंने और कौन कौन सी ऐसी बात कही और FIR में क्यों प्रभु श्री राम का भी जिक्र है, इस बात की जानकारी भी मैं आपको दूंगा। लेकिन इस पर सियासी बवाल क्यों मच गया है? अगर CM कह रहे हैं कि कानून सर्वोपरि है और मेरे पिता ने अगर कोई भी ऐसी आपत्तिजनक बात किसी समुदाय विशेष के लिए कही है तो इससे मुझे दुख पहुंचा है, मैं दुखी हूं। लेकिन उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। प्रदेश में रहने वाला, देश में रहने वाला हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों को अगर उनकी बात से, उनके किसी बयान से पीड़ा हुई है, दुख पहुँचा है, तो मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री हूँ मैं। लेकिन उसके पहले मुझे देश के, प्रदेश की, नागरिक के भावनाओं की भी चिंता करनी होगी। पिताजी के होने के नाते पूरा सम्मान, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि समाज में विभिन्न वर्ग के लोगों के बीच में समरसता, भाईचारे बना रहना चाहिए, और यदि उसे कोई खंडित करने की कोशिश करे तो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है, विधि सम्मत कार्रवाई है, वो की जाएगी। तो उसके तहत यदि उन्होंने किसी समाज के खिलाफ कोई बात कही है तो मुझे उसका दुख है। इस प्रकार से बात नहीं कही जानी चाहिए, लेकिन कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। FIR में क्या लिखा है पहले ये बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि इसमें BJP ने क्यों सवाल खड़े कर दिए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर, उनके पिता के ऊपर, और उत्तर प्रदेश के चुनाव से इसे कैसे जोड़ा जा रहा है, ये कहानी आपको बताऊंगा। रायपुर के DD नगर थाने में ये FIR दर्ज हुई है, जिसमें ये लिखा है कि सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा एक लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया, जिसके जांच के बाद विधिक सलाह प्राप्त किया गया, जिसमें प्रस्तुत की गई आवेदन पाए गए तथ्य में नंद कुमार बघेल यानी कि CM भूपेश बघेल के पिता द्वारा ब्राह्मण समाज के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए ब्राह्मण समाज को देश का नागरिक नहीं होने, विदेशी होने से उन्हें देश बाहर निकाल देने के संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं हर समाज के लोगों का आह्वान कर ब्राह्मणों को बायकॉट किए जाने और उन्हें गांव में घुसने ना दिए जाने के संबंध में अभद्र टिप्पणी करते हुए भारतीय समाज में वैमनस्यता फैलाने व समाज को तोड़ने वाला वक्तव्य देने से सर्व ब्राह्मण समाज में आक्रोश व्याप्त होकर सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा एक लिखित शिकायत प्रस्तुत किया, जिसके बाद धारा 153A, 505, 1B
का अपराध घटित होना पाया गया और इस आवेदन के बाद FIR दर्ज किया गया। और ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि इसके आगे लाइन में क्या लिखा है, इसमें ये लिखा गया है कि इससे पूर्व इसके पहले भी उन्होंने यानी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के पिता ने ब्राह्मण समाज हर भारतीयों के आराध्य देव प्रभु श्री राम जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। मैंने आपसे कहा था उत्तर प्रदेश चुनाव, प्रभु श्री राम और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री का अपने पिता के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश के क्या सियासी मायने हैं वो समझा रहा हूँ। दरअसल इसमें लिखा है कि भारतीयों के आराध्य देव प्रभु श्री राम जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी, जिसकी रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिला में दर्ज है। उनका वक्तव्य भारतीय समाज में वैमनस्यता फैलाने वाला है, समाज को तोड़ने वाला है। भारत का कानून हर भारतीयों को भारत में रहने की इजाज़त देता है, किंतु नंद कुमार बघेल का बयान भारतीय समाज को खंडित करने वाला है, ये FIR की कॉपी में लिखा हुआ है। अब BJP के लोगों ने इसको सियासत से कैसे जोड़ा, ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी कि मुख्यमंत्री ने अपने पिता के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश क्यों दिए, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि BJP ने इसमें सियासत कैसे शुरू की। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को विदेशी और ब्राह्मणों का बायकॉट करने और उनको भगाने की बात उत्तर प्रदेश में कही थी। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को साधने की क्या क्या कोशिश की जा रही है वहाँ के राजनीतिक दलों के द्वारा, ये आप लोग जानते हैं, सपा हो, बसपा हो या फिर BJP, कांग्रेस, सभी जो है वो ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ब्राह्मण समाज नाराज है। ऐसे में जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की अगुवाई कर रही हों और किसी कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिता उसी प्रदेश में जाकर ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरह के बयान दें तो FIR होना तो लाजमी है, यही कह रही है भारतीय जनता पार्टी। BJP के नेता ये कह रहे हैं कि पिछले 3.5 साल में या पिछले 2.5 साल में CM के पिता नंद कुमार बघेल ने कई बार प्रभु श्री राम को लेकर और ब्राह्मण समाज को लेकर अलग अलग जगह पर आपत्तिजनक बात कहते रहे हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसा कोई बड़ा निर्णय क्यों नहीं लिया। हालांकि लिखित शिकायत DD नगर रायपुर के DD नगर थाने में दी गई थी, जिसके बाद से ये पूरी कार्रवाई हुई है, लेकिन BJP ये कह रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दबाव में आकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ये निर्णय लेना पड़ा और अब जो है वो वाहवाही लूट रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तो ये कह रहे हैं कि पिता और पुत्र में आपसी समझौता है, ये कैसे हो सकता है कि जब बेटा मुख्यमंत्री हो उसी प्रदेश में लगातार समाज को बांटने वाला बयान उनके पिता कैसे दे सकते हैं। ये तो कांग्रेस के आला कमान के दबाव में ही FIR दर्ज की गई है और ये पिता और पुत्र के बीच का आपसी समझौता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश चुनाव में नंद कुमार बघेल के इस बयान का असर कितना होगा या फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस कदम से क्या ब्राह्मण समाज में एक ऐसा मैसेज जाएगा, एक ऐसा संदेश जाएगा कि कानून सच में सर्वोपरि है और इसे नेता भी मानते हैं और इसलिए CM ने ऐसा निर्णय लिया, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल एक मुख्यमंत्री ने अपने पिता के ऊपर FIR करने के निर्देश दिए हैं और अभी अभी जब मैं इस खबर को आपको बता रहा हूं तब मेरे सूत्रों ने ये बताया है कि इस पर मुख्यमंत्री के पिता नंद कुमार बघेल की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि रायपुर से एक पुलिस की टीम को उत्तर प्रदेश भेज दिया गया है नंद कुमार बघेल को लाने के लिए या यूँ कहें कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। तो क्या एक और बड़ी खबर आने वाली है इस तरह की कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया FIR करने के और FIR के बाद उनके पिता को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा, पुलिस पहुंचेगी कब लेकर आएगी, लेकिन
सीएम के इस फैसले के बाद बीजेपी ने इसमें सियासत शुरू कर दी है और बीजेपी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के वोट के बटने का डर है, इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, प्रियंका गांधी नाराज होंगी, राहुल गांधी नाराज होंगे, इसलिए मजबूरी में सीएम भूपेश बघेल ने अपने पिता के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।